अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं, ये इसके ऊपर हम लोग रीडिंग करते हैं. आई नो आई दिस इज अ हिंदी रीडिंग, सो ऑब्वियसली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, इट्स यू आर नॉट गोना वॉच दिस, यू कैन गो बैक टू माई चैनल, देर विल बी लॉट ऑफ वीडियोज इन इंग्लिश. ऑलराइट, सो या फॉर माई हिंदी व्यूअर्स, आई एम सॉरी, मैं हर एक दिन तो नहीं कर पाती हूँ हिंदी रीडिंग आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे थोड़ा मौका मिले मैं कर देती हूँ अपने लिए हिंदी रीडिंग. तो इसीलिए मैं हमेशा से ऐसा ही रखती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं. लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, मेरा एक ही अकाउंट है टिकटॉक में, डिवाइन मदर्स गाइडेंस विथ 100K+ फॉलोअर्स, और इंस्टाग्राम में डिवाइन मदर्स गाइडेंस विथ 3,500+ फॉलोअर्स. आप मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स आस्क टैरो, लिखा होगा अपने स्क्रीन पे, अगर आप टिकटॉक पे इंस्टा पे देख रहे हो प्लीज उसको फॉलो कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए. एंड मैं कभी भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे, मेरा टिकटॉक, मेरा फेसबुक नहीं है, टेलीग्राम भी नहीं है, टेलीग्राम वगैरह आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज, आई डोंट हैव इट. तो अगर आपको कोई भी फॉलो करके, कोई भी सिमिलर प्रोफाइल आपको दिखे कि आपको फॉलो कर रहा है, आपको बोल रहा है कि मुझे सपना आया है, आप मुझे पैसा दे दो, आपका क्लेंजिंग कर देंगे, हीलिंग कर देंगे, वो सब कुछ स्कैमर्स है, उनको आप प्लीज इंटरेक्ट मत करना. अगर आप उससे एक रीडिंग करवाना चाहते हो, ओनली ऑप्शन होगा कि आप मुझे ईमेल करो, मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पे लिखा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, divinemothersguidance@gmail.com. और आपके अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो तो अगर आप पेपल है तो फिर ही आप मेरे से बुक कर सकते हो रीडिंग. पेपल अगर नहीं है, आई कांट हेल्प यू, आई एम सॉरी, एंड आई डोंट डू फ्री रीडिंग्स एनी मोर. ओके, ओह ओके, आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत अच्छे लग रहे, बहुत ज्यादा एनर्जी है. विटामिन डी मिल गया उनको शायद, बहुत ज्यादा छलांग मारे, देखो क्या है, कार सर सॉरी, देखते क्या है. और बहुत खुश लग रहे आपके पर्सन आज. एस ऑफ पेंटेकल बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी क्या होता है ना, आपका जो ओवरऑल रीडिंग का जो एनर्जी है इसके ऊपर बेस करता है. तो एसेस जो होते हैं ना टैरो में, वो होता है बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, कम्युनिकेशन, आउट ऑफ नो वेयर कम्युनिकेशन आना. और एस सर टैंजेबल, सो दिस आपके जो पर्सन है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ, वेट करो थोड़ा. देखो, और दो एसेस हियर, एस ऑफ वांड, एस ऑफ शोट्स. तो इधर पे टैरो डेक में चार एसेस होते हैं, अभी तीन इधर पे बैठे हैं. तो आपके जो पर्सन है उसके मन में अभी बहुत चल रहा है कि आपको आके कम्युनिकेट करे, आपको वो कम्युनिकेट डेफिनेटली करना चाहते हैं. तो और इधर पे देखो, और एक कार्ड है फूल. फूल इज अ कार्ड ऑफ जीरो, इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन टैरो. सो ये चारों कार्ड मिला के आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ये हायरोफेंट कार्ड इधर पे है, आई हैव टू मेक इट अ वेरी क्विक रीडिंग बिकॉज मैं अपनी रीडिंग के प्राइवेट रीडिंग के इन बिटवीन करी हूँ. हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, ये टावर, ये सारे कार्ड एंड ऑल्सो द डेविल, डेविल कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं. मेजर आर्काना कार्ड्स ऑफ टैरो और ऑल्सो विद द फूल. आपके इस रीडिंग में ये एसेस को छोड़ के और ये दोनों कार्ड को छोड़ के सारे कार्ड मेजर आर्काना है. तो उसका मतलब ये आपके पर्सन के जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, उनके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. जो भी उनके जिंदगी में पहले उनका ओल्ड थॉट जो प्रोसेस था उसमें एक बड़ा चेंज आ रहा है. लेकिन देखो, ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगा. अगर आपके पर्सन एक पीस ऑफ शीट है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, और नार्सिसिस्ट है और भाग गया थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ 10 साल हो गया, नहीं है आपके रीडिंग है. तो ये आपका जो रीडिंग है, आपका जो बाबू सोना जादू टोना है, आपको रिसेंटली शायद बहुत ही ज्यादा दिन नहीं होगा, मे बी मैक्सिमम वन ईयर भी नहीं 6 मंथ्स का ब्रेकअप होगा ये आपका. तो ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे. आप दोनों के बीच कल्चरल, रिलीजियस, स्टेटस, एज, शादी वगैरह, इसका डिफरेंस हो सकता है. हायरोफेंट कार्ड उसके बारे में भी बोलते हैं. हायरोफेंट हमारा जो जो हमारा सोशल नॉर्म्स एंड थॉट प्रोसेस होता है जेन्युइन, लाइक ओल्ड स्कूल वाला, उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, ऐसा दैट इज इंडिकेटिंग. लेकिन ये भी एक देखो, हायरोफेंट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल टीचर. तो एक लेसन भी उनकी जिंदगी में लर्निंग हो रहा है कि वो एक अपग्रेड ऑफ देयर लाइफ. सो दिस पर्सन इज वेकिंग अप, इट्स काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैपनिंग. इट कैन बी आपके जिंदगी में भी बहुत एक चेंजेस आ रहे हैं, आप भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप भी अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो. आपको शायद बहुत ज्यादा एंजल नंबर दिखने लगे हैं, आपको ज्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगे हैं. तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. टावर मोमेंट का, टावर मोमेंट इधर जो मुझे दिखा रहा है, इट्स आल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. टावर का मतलब हमेशा से सब कुछ तोड़ गया, ऐसा ही नहीं होता. टावर आल्सो इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपके जो पर्सन है उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आई वुड से. ये हायरोफेंट कार्ड और ये साथ, इसके साथ शायद उन्होंने, उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं किए, तो जस्टिस उनको आपको
they want to give you the justice back. Capricorn, Libra energy here. Wheel of Fortune जो आते हैं ना reading में, तो हम लोग सोचते हैं जिसके लिए हम लोग reading करें उनके favor में situation turn करना है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो situation मैं देख रही हूँ ना, सब कुछ ये सब कुछ मिला के I would say आपके जो person है आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं और उनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा change आ रहे हैं. इसके वजह से वो उनको realize हो रहे कि आपके ही साथ उनको ज़िंदगी बिताना है. पहले शायद वो बहुत immature person थे, बहुत इमैच्योर, आपको इतना कमिटमेंट नहीं दिया, हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया, शायद कभी आके बात करेगा कभी नहीं करेगा, छोड़ के जाएगा, इमैच्योर. लेकिन अभी आपका ये जो ब्रेकअप चल रहा है इसके वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसके जिंदगी में. अगर हम ना जिन लोग हमारे पास रहते हैं उनको हम वैल्यू नहीं करते, जब हम उसको खो देते हैं ना तो उसका वैल्यू हमें समझ में आता है. तो आपका ये जो पर्सन है आपको उनको समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू क्या है. वो डेफिनेटली वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू. सारे कार्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी गुड कार्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रेजेंट हियर. सो एंड अ न्यू बिगिनिंग और वो चाहते हैं. डेविल एनर्जी, आई वुड से लॉट ऑफ टॉक्सिक ट्रेस हैं आपके रिश्ते में. आप दोनों 5-5-5 आई एम सीइंग ऑन द क्लॉक. आपके 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 रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है. लेकिन एक चीज़ है, आपको वो आपका भी हो सकता है आपके पर्सन का भी हो सकता है एडिक्शन. ओके, कोई एडिक्शन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, टॉक्सिक ट्रेट्स. तो आपको ना एक चीज करना होगा, आपको पॉजिटिव थॉट पे फोकस करना होगा. आपका थॉट जो होता है ना, आप जो सोचते हो बहुत जोरदार से सोचते हो वही आपके जिंदगी में सही होता है. तो आप हमेशा से एक चीज देखना, क्या थॉट आपके दिमाग में आ रहा है. जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए आप उसको ट्रांसफॉर्म करो कोई पॉजिटिव थॉट के साथ. जब भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो अपने हार्ट को अपने हार्ट पे रख के बोलो एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, आई एम सो लकी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, माई पर्सन माई बाबू सोना इज ऑलरेडी विथ मी, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. एंड रात को सोने से पहले एक बात बोलो, थैंक्स फॉर शोइंग मी दैट द इशू इज ऑलरेडी रिजॉल्व. तीन बार बोलो. नेगेटिव थॉट अगर आप ज्यादा सोचते हो तो वो आपके जिंदगी में सच होने लगते हैं. प्लीज वो नेगेटिव सोच मत सोचो. अगर आपको पैनिक अटैक जैसे आ रहा है, बहुत कोई नेगेटिव थॉट आप ऐसे आ रहा है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हो, ये स्विच वर्ड आप बोलते जाओ लाइक अ मंत्र फॉर 1-2 मिनट्स. कट कट कट, डिलीट डिलीट, 3 times कट, 2 times डिलीट. Cut, 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 delete, delete. Cut, 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 delete, delete. Cut, 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 delete, delete. After 30 seconds or 1 minute, you will see the thought is gone. आपके दिमाग से निकल जाएगा. तो आप ये सब करो. ये जो रिश्ता आपको मुझे दिख रहा है, अगर यही आपका रीडिंग है तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है. आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं. बहुत ही जल्दी रिकॉन्सिलेशन होने वाला है इस रिश्ते का अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. अब 3 aces इधर पे है और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉन्सिलेशन वाइब आई एम गेटिंग. तो मैं देखती हूँ थोड़ा लेटर्स निकाल के. एक्चुअली मेरा रीडिंग चल रहा है प्राइवेट रीडिंग के बीच मैंने ये रीडिंग मैंने लिया है. मैं सोच रही थी कि मेरे जो भाई बहन है जो उन जिनको हिंदी ही समझ में आती, इंग्लिश समझ में नहीं आते, बहुत दिन नहीं किया उन लोगों के लिए मैंने रीडिंग. आई एम सॉरी, मुझे नहीं होता. सी वाई बी ई एस डी एक्स एल ओ ए के ए ओ एफ क्यू के फॉर काइट जी ई एन ए. तो ये अगर आपके साथ मैच करे, आपके नाम के साथ, आपके पर्सन के नाम के साथ, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर कोई भी लेटर हो सकता है अगर मैच करे तो इनका ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. हाँ, मैं ये बोल रही थी मुझसे होता नहीं है रीडिंग हमेशा से हिंदी में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब भी करे. लेकिन एनीवेज, आपके पर्सन का रीडिंग हो या ना हो, एक बात ध्यान में रखो, प्लीज किसी के लिए वेट मत करो. प्लीज किसी को अपना भगवान खुदा मत बनाओ. अपने जिंदगी में जो हम है ना, अपने जिंदगी अपना अपना मूवी का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर हम लोग ही हैं. जब आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हो इमोशनली, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है. वो बंदा अच्छा हो या बुरा हो डजंट मैटर, लेकिन उनके जिंदगी में अपना जिंदगी वो जी रहा है बंदा. अगर आप उसके ऊपर अपना लिमिट डाल दो कि हाँ आपको हमेशा से मेरे लिए ये सोचना है, आपके लिए ये करना है वो करना है, तो क्या होता है ना, उस बंदे या बंदा या बंदी की जिंदगी में एक प्रेशर आ जाता है, उसको सफोकेशन जो हो जाता है. सो वो भागने का कोशिश करता है हमसे, बार बार अलग होने का कोशिश करता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है आपके साथ रहे हमेशा से, अपना खुद का एक जिंदगी बनाओ, खुद से प्यार करो. ऐसे रहो कि मैं अगर कोई मेरे साथ ना हो फिर भी आई विल बी फाइन, आई विल बी हैप्पी. ठीक है, अपना कोई एक दुनिया बनाओ जहां पे आप शायद क्राफ्टिंग कर रहे हो या गाना गा रहे हो या नाच कर रहे हो, कोई जिम में जाओ, योगा क्लास में ज्वाइन करो, कुछ भी, खुद का एक कुकिंग करो, कुछ भी गार्डनिंग करो, जो भी तुम्हें आपको करने का मन लगता है, कुछ भी ऐसा जिंदगी, आपके एक बुक किताब पढ़ना और कुछ भी. एक दुनिया रहना चाहिए हम सबको कि जहां पे हम खुद से खुश हो सकते हैं, कि ये बंदा या बंदी अगर बिजी हो, अगर वो हमें मैसेज ना कर पाए फिर भी हम विल बी हैप्पी, कि उनके ऊपर जाके जैसे ना आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया. सो आई हैव डन दैट, आई नो दिस, आई एम स्टिल हीलिंग, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ. लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जितना आप कम लोगों से वैलिडेशन मांगोगे, क्या आप लोगों के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंसी आपका जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है. सेल्फ लव इज अ की,
खुद से प्यार करो, खुद के साथ एक रिश्ता बनाओ कि आप खुद के साथ बैठ के ही आप बात दिन बिता सकते हो. ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, एक्सेप्ट योर सेल्फ अनकंडीशनली. ऑलराइट, यू टेक केयर स्वीटहार्ट, बाय.